नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग एंड वेलकम टू नॉलेज टपरी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमारे मराठी वाले सीरीज को देख के कमेंट किया कि उन्हें ये वीडियोस हिंदी में देखने बहुत पसंद करेंगे, तो इसलिए हमने ये अपना ये नया सीरीज है जो हिंदी में स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, आज से हम सीखेंगे हिंदी में MS Excel। दोस्तों, ये टोटली हिंदी नहीं रहेगा, ऑफकोर्स ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर रहेगा, तो कम्प्लीटली इंग्लिश वाले सेशंस रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्जॉय कर पाएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपके जो भी एकदम जो भी क्वेरीज रहेंगे वो आप हमें पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपसे शेयर करूंगा, मेरा मेल आईडी आपके साथ शेयर रहेगा, ओके। तो आपको ये सारे डिटेल्स मिलते जाएंगे। दोस्तों, हम इसमें ये सेशंस में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि MS Excel क्या है और MS Excel में प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे किस तरह से बनाने हैं और हमें MS Excel से पैसे किस तरह से कमाने हैं। दोस्तों, पैसा कमाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और MS Excel से आप पैसा कमा सकते हो, तो वो किस तरह से करना है ये हम सीखने की कोशिश करेंगे, ओके। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली MS Excel है क्या, तो ये पूरा जानने के लिए समझने के लिए प्लीज हमारे साथ बने रहे नॉलेज टपरी पे। नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं एक्चुअली MS Excel है क्या। दोस्तों, एक्चुअली MS Excel ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन विंडोज़ में चलता है, मैक में चलता है, एंड्रॉयड पे चलता है, ISO पे चलता है, हमारे जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ये एप्लीकेशन चलता है। अभी एप्लीकेशन करता क्या है, ये एप्लीकेशन डेटा में प्रोसेस करता है। आपके पास रॉ डेटा आता है, किसी भी टाइप का आपके पास अगर डेटा आता है, वो डेटा को ये प्रोसेस करके उससे अच्छा आउटपुट निकालने का काम करता है, ओके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी, ओके। तो उसमें क्या होता है, एक तरह से गन्ने डाले जाते हैं, उसमें तरफ से उसका जूस निकाल कर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसका किसी का गुड़ बनाते हैं, ओके, किसी गन्ने का जूस बनाते हैं, ओके। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोसेसर होते हैं गन्ने के ऊपर। सो वैसे ही हमारा डेटा आता है, ये मशीन का जो काम है ना, ये MS Excel टूल है। ये टूल में आप डालते हो डेटा, डेटा को दूसरी तरह से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए वो प्रोडक्ट्स को आप आउटपुट में निकाल सकते हो। इस तरह से ये MS Excel काम करता है। आपको इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन, एक्सेल इंग्लिश में क्या है ये लिखा हुआ आपके सामने आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको इसका एक छोटा सा इंग्लिश वाला जो वर्डिंग्स है कि इंग्लिश में एक्चुअली MS Excel है क्या, जो गूगल क्या बोलता है, जो गूगल बोलता है वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है आपको समझने के लिए। अभी आपको क्या क्या कर सकते हैं, आप डेटा को ले सकते हैं, डेटा से ग्राफ्स बना सकते हैं, डेटा को अलग अलग क्लासिफिकेशन लेवल पे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेरीज रहती है कि उन्हें पीवट टेबल नहीं आता, तो पीवट टेबल आप इसमें से बना सकते हो, ओके। आप डाटा के अलग अलग एनालिसिस बना सकते हो, ओके। तो एक्चुअली MS Excel को यूज कहाँ कहाँ करते हैं, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आपकी जो अटेंडेंस होती है ना, वो आपकी टीचर जी MS Excel पे बनाती है, ओके। आपके जो मार्क्स रहते हैं वो आपकी टीचर जी MS Excel पे बनाती है। चलो वहाँ से थोड़ा ऊपर आते हैं, कॉलेज में भी वही चलता है। चलो आप जॉब पे जाते हो, चलो आप लोग समझ लो फिनांस का काम करते हो, अकाउंट्स का काम करते हो, तो अकाउंट्स का काम करते वक्त आपका डेटा है वो आप MS Excel पे डालते हो, उसके बाद आप अकाउंटिंग एंट्री पास करते हो। चलो आपका टैली में आपने डेटा फीडिंग किया, आपको टैली तो पता ही होगा, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो टैली में डेटा फीडिंग करने के बाद टैली से जो आउटपुट निकलता है ना, वो आप MS Excel पे निकाल सकते हो, जिससे आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलो आप लोग अभी HR में आते, HR में अपनी पूरी जितनी भी स्टाफ मेंबर्स है उनकी सैलरी कैलकुलेशंस MS Excel पे होता है। उनके पास भले ही दूसरे एप्लीकेशंस हो, लेकिन बेसिक सैलरी कैलकुलेशंस का जो फंडा होता है, जो उसका जो लॉजिक होता है, वो लॉजिक MS Excel पे सेट होता है। चलो आप मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, खुद का बिजनेस करने के लिए आपको कितना परचेस हुआ, कितना सेल हुआ, किसके कौन से वेंडर के पास से परचेस हुआ, कौन से कस्टमर्स को सेल किया, आपका GST कैलकुलेशंस होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ का आप बहुत ज़्यादा यूज MS Excel के साथ कर सकते हो। और MS Excel आपको एक क्विकली और इजी सॉल्यूशन देगा आपके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा में, आपको इजीएस्ट सॉल्यूशन देने का काम MS Excel करता है। तो दोस्तों, ये सारे MS Excel के यूज है, ओके। तो वाई MS Excel, ये तो आपको अभी पता ही चल गया होगा, जो गूगल बोलता है वो मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया है, ये आप पढ़ सकते हो, ओके। अभी हाउ टू यूज एक्सेल, अभी गूगल सारा ये सब इतना इंग्लिश में गूगल ने अपना अपना बोल दिया,
मैं आपको बहुत आसान तरीके समझाता हूँ। देखो, अगर डेटा आपके सामने आता है तो उस पे वर्क करने का दो अलग अलग तरीका होता है। एक होता है फंडामेंटल थिंग्स और दूसरा होता है टेक्निकल थिंग्स। ओके, फंडामेंटल थिंग्स और टेक्निकल थिंग्स आप समझ लो अच्छे से। टेक्निकल थिंग्स में कोडर होते हैं, कोडर, वो कोडर सिस्टम पे बैठ के कोडिंग करते हैं। आपने पाइथन कोडिंग सुना होगा, आपने सी कोडिंग सुना होगा, आपने एसक्यूएल कोडिंग सुना होगा, आपने ओरेकल कोडिंग सुना होगा। ये सारे कोडिंग ये टेक्निकल लोग करते हैं, वो लोग अपने मशीन पे कोड लिखते हैं और कोड लिख के डेटा पे प्रोसेस करते हैं। हमारे एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत सारे ऑपरेशन ऑप्शंस में आपको कोई कोड नहीं लिखना पड़ता। आगे आप VBA सीखेंगे तो VBA में आपको थोड़े बहुत बहुत ही छोटे छोटे कोड लिखने पड़ेंगे, बड़े कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपको एक अच्छा सा डेटा प्रोसेस करने का फंडामेंटल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करता है। जो एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर आपको सिर्फ फंडे पता होने चाहिए कि मुझे कॉपी का फंडा क्या है भाई। ओके, मुझे टेबल बनाना है तो फिल्टर्स का फंडा क्या है। ओके, बहुत सारे फंडामेंटल मतलब प्रोसेसिंग, आपको फॉर्मेट जाना है, वहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके आउटपुट लेके आना है। ये इतना ईजी है जो कोई भी आपसे छोटे से छोटा बच्चा, 5 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा MS Excel सीख सकता है। इट इज़ दैट सो ईजी। सो दोस्तों, आपको MS Excel इसके लिए सीखना चाहिए क्योंकि लाइफ में आगे जाके आपको हर लेवल पे MS Excel की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स के साथ और अलग अलग एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।